साथियों नमस्कार, मैं प्रशांत मातो फिर एक बार आप सभी के साथ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर लाइव पर। साथियों मैं कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में आज जानकारी लेकर आया हूँ जो लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। लॉकडाउन 1 के दौरान भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन 2 में भी लगातार अपने कार्य को जारी रखा है। निरंतर वे अपनी सेवाएं मानवता के लिए दे रहे हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो नाम के लिए भी कार्य नहीं कर रही है, लेकिन यह है कि उनका कार्य लगातार लोगों के बीच में जाकर हो रहा है। और साथ ही उन्होंने काफी सारे ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, काफी सारे ऐसे प्रभुजन थे जिन तक उन्होंने पहुंच कर उन्हें न कि खाना उपलब्ध कराया बल्कि उनका इलाज भी कराया, उनकी हर तरह से सहायता भी। ऐसे लोगों के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए कम है, और कहीं न कहीं एक इंसानियत आज भी जिंदा है जो इस संकट की घड़ी में आप सभी दानदाताओं के सहयोग से हमारे जैसे बहुत से कार्यकर्ता, हमारे बहुत से सेवक लगातार लोगों के बीच में जाकर अपना जान जोखिम में डालकर एक तरह से कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। और हमारे पूरे देश में पूरा पुलिस प्रशासन, पूरे सेना के लोग, पूरे प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्सेज, साथ ही सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो सफाई कर्मियों का है। मैं इन सभी को सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ कि वे लगातार हमारे लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए वे लगातार अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार, अपने बच्चों की जान की परवाह किए बगैर वे लगातार फील्ड में जा रहे हैं और कोरोना से डट कर सामना कर रहे हैं। मैं इन सभी को नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हमारी संस्था का था कार्यकर्ताओं के द्वारा एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था जिसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। कैसे हमारे कार्यकर्ता झाड़ियों के बीच से जो छोटी डंडी रास्ता रहता है उसमें गाड़ी से जाकर उन लोगों तक लगातार खाना पहुंचा रहे हैं। तो भैया मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? छत्तीसगढ़ के या बाहर के? पूरी जगन्नाथ का। जगन्नाथपुरी उड़ीसा। हाँ। कब से यहाँ पर आए हुए? 5 साल हुआ। 5 साल यहाँ? 1 साल हुआ सर आए। साल हुआ। 1 साल हुआ। हाँ, राशन कार्ड वगैरह कुछ भी बना नहीं है? नहीं बना है। जितने अभी 1 साल हुए हैं उनका नहीं बना हुआ है, और जिनका बना हुआ है तो इन लोगों को वही दिक्कत हो रहा था राशन वगैरह का, तो मैं बोली कि चलो इनका थोड़ा सहयोग कर दिया जाए। और मास्क वगैरह भी बोलना था मेरे को सर, मास्क का भी आपको दे रहे हैं, इनको अवेयर कीजिए कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। हम और सेवा करना चाहते हैं सर, हमारे जो भी है हमको मतलब बिल्कुल सूचना दीजिए कि हम ये करें। और मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, RSS स्वयंसेवी संस्थाओं को जो विभिन्न जिलों में विभिन्न रूप से कार्य कर रही हैं। यह सभी कार्य जो है, यह सभी सेवा कार्य आप सबके सहयोग बिना संभव नहीं है। इसमें हर किसी का सहयोग जुड़ा हुआ है। और इस वीडियो को आप सभी जरूर देखें कि कैसे टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होकर, कच्चे रास्तों से होकर हमारे कार्यकर्ता लगातार उन तक पहुंचकर उन्हें सुबह शाम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही हम सभी का प्रयास है कि हर व्यक्ति तक मदद पहुंचे, हर व्यक्ति को मदद मिले। और साथ ही अन्नदान महादान है ही, आप सभी के अन्नदान के सहयोग से ही यह पूरी सेवा चल रही है। इसका पूरा का पूरा श्रेय आप सभी को जाता है, आप सभी ने इसके पीछे मेहनत की है तब कहीं जाकर आज जरूरतमंद लोगों को दो वक्त का भोजन मिल पा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है और आप सबके माध्यम से एक बहुत बड़ा टीम वर्क आज सभी जिलों में हो रहा है। इसके साथ ही मैं कुछ संस्थाओं का मैं यहाँ पर धन्यवाद भी करना चाहूंगा। स्क्रीन पे आप सभी संस्थाओं के नाम देख सकते हैं जिन्होंने हमें लगातार भोजन पैकेट बनाकर दिए और उन्हें हम जरूरतमंद लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इनके नाम यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, आप सभी अवश्य देखें। और इन सभी संस्थाओं के लिए मेरा नमन है, वंदन है, बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद है।
इसके साथ ही मैं कुछ संस्थाओं के विशेष रूप से जानता हूँ जो प्रशासन के साथ में मिलकर बहुत ही अच्छा टीम वर्क कर रही है, उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं और इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, नमन है। आप सभी ऐसे ही समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही अच्छा करते रहिए, हर जरूरतमंद व्यक्ति को मदद पहुंचाते रहिए, क्योंकि ये देश हमारा है, इस देश के लोग अपने हैं, हर व्यक्ति अपना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं प्रशांत माधव शरावती फाउंडेशन से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।